Please like, share and subscribe our YouTube channel. Be healthy, be strong. कानों में आवाज़ें आना, इसको हम कहते हैं टिनिटस। कई बार ये मरीज को सुनाई देता रहता है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव टिनिटस, और ये कई बार बाहर वालों को भी सुनाई देता है, आपका जो है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टिनिटस। ऑब्जेक्टिव टिनिटस अक्सर एक्स्ट्रा ऑडिटरी, सुनाई की नसों से बाहर आवाज़ें वो होती हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव टिनिटस होता है वो अक्सर ऑडिटरी होता है। आम तौर पे देखा गया है कि अगर कॉकलिया और नर्व के ऊपर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें टिनिटस होगा। एक छोटे से शब्द में कहा जाता है कि टिनिटस इज द क्राई ऑफ द डीजेनरेटिंग नर्व और द डाइंग नर्व। जो मर रही है वो रो रही है, ये टिनिटस का है। लेकिन ये डीजेनरेशन कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, अगर आपके कान में मैल है तो कभी कभी आपको आवाज़ें आ सकती हैं। अब जैसे आप तेज़ गाड़ी में जा रहे हैं और आपने थोड़ा सा शीशा खोल दिया तो आपको एक तरह की आवाज़ आएगी ऐसे करके, तो इसी तरह से कान में भी आ सकती है। अगर आपके कान में मैल है, आपके कान का पर्दा फटा है, तब भी टिनिटस हो सकता है। आपकी जो हड्डियाँ हैं वो जम गई हैं, जिसको हम टिम्पैनोस्क्लेरोसिस या ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और अगर इसका जहर कॉकलिया की तरफ जा रहा है तब भी टिनिटस हो सकता है। नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम है डीजेनरेशन की या कोई ट्यूमर है तो भी टिनिटस हो सकता है। तो लास्ट में मैंने एक शब्द बोला, नर्व का ट्यूमर। तो ये मत समझिए कि हर आवाज़ जो है वो एक नर्व का ट्यूमर हो सकता है और टिनिटस उसके कारण होता है। बहुत ही रेयर कारण होता है कि नर्व का कोई टिनिटस ट्यूमर हो और उसके कारण टिनिटस हो। यस, अगर टिनिटस परसिस्ट कर रहा है आपको तो आपको जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज संभव है। कारण इसके बहुत होते हैं। मैंने आपको बताया जो प्रॉब्लम्स कान की वो गिनवाई, लेकिन अगर आप ज़्यादा एस्पिरिन खा रहे हैं, एनल्जेसिक्स खा रहे हैं, तब भी टिनिटस हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जाके हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, और अगर आप विड्रॉ कर लें, वो दवाई बंद कर दें, तो ये टिनिटस कई बार ठीक भी हो जाता है। कुछ टिनिटस पोस्ट ऑपरेटिव भी होते हैं कि आपने ऑपरेट किया और उसके दौरान कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी चीज़ चली गई कॉकलिया के अंदर, तो उससे भी टिनिटस हो सकता है। तो टिनिटस के बहुत कारण होते हैं। पहले एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसको हम कहते थे इडियोपैथिक टिनिटस, कि कोई कारण नहीं है। आज शायद हम उस चीज़ को मानने से अब कम करते हैं। जो इडियोपैथिक टिनिटस है हम वही समझते हैं, जो चीज़ हमें नहीं समझ आ रही उसको हम इडियोपैथिक कह रहे हैं। ये नहीं है कि जिसका कोई कारण नहीं है, ज़रूर उसका कोई कारण होगा। और बहुत बड़ा कारण उसका आज के दिन में है एक बीमारी जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, या जो आगे चल के मिनियस डिजीज बन जाती है। अगर आप खूब सारा नमक खा लें तो आपको ये कान में आवाज़ें आने लगेंगी। अगर आप खूब सारा पानी पी लें तो आपको कान में आवाज़ें आने लग जाएंगी। अगर आप स्ट्रेस जिंदगी बिताते हैं तो आपको कानों में आवाज़ें आएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इन कारणों से बनती हैं। एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स एक कारण होता है जिसमें अंदरूनी कान में, जिसमें कि कॉकलिया है और वेस्टिब्यूल है, एक सुनने का यंत्र है और एक बैलेंस का यंत्र है, तो दोनों में हाइड्रॉप्स हो जाता है, पानी बढ़ जाता है। वो अब वो बनता ज़्यादा है या निकलता कम है, ये हमें जांच करके देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो टिनिटस आज भी एक बहुत अंडर डायग्नोज्ड, अंडरस्टूड कारण है, और शायद हम जैसे जैसे इस पे और रिसर्च होगी हमें पता लगेगा कि ये कहाँ प्रॉब्लम है और हम पिन पॉइंट कर सकेंगे और उसको अकॉर्डिंगली ठीक कर सकेंगे। टिनिटस को ठीक करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि उस कारण को हटाइए,
उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करिए जिसमें कि ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई कारण नहीं हमें आज के दिन में समझ आ रहा तो हम ऐसे में टिनिटस मास्कर्स देते हैं, टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी करते हैं, लो सॉल्ट डाइट देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको कहें कि आप स्ट्रेस को कम करें। तो ये सब कारण हैं जिससे कि टिनिटस को हम कम कर सकते हैं या ठीक भी कर सकते हैं।